हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो टेक्निकल रहमान यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त रहमान। तो फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाऊंगा कि आपका पास 4440 डबल आईसी वाला ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है तो आप उस बोर्ड को पावर देने के लिए कंप्यूटर का जो SMPS होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ATX पावर सप्लाई, आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे 4440 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड में पावर देने के लिए, मैं आज इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाऊंगा। और फ्रेंड, आपका पास भी कोई भी कंपनी का 4440 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है तो मैं आज इस वीडियो में, मेरे पास ये जो सैमसंग कंपनी का 4440 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है, इस बोर्ड में जो कनेक्शन करूँगा, आपका पास भी कोई भी कंपनी का ऑडियो बोर्ड है तो आप उस ऑडियो बोर्ड में सेम कनेक्शन कीजिएगा तो हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को मैं एक बात बोलूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और आप मेरे चैनल में नया होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरा ऐसा ही वीडियो हर रोज़ देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो 4440 डबल आईसी वाला ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है, इस बोर्ड में पावर देने के लिए ये जो कंप्यूटर का SMPS है, इसको कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ काम करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, आप घबराइए मत, आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो कंप्यूटर का SMPS है, इस SMPS का पीछे फ्रेंड देखिए आपको बहुत सारा वायर दिखाई देगा, तो आपको इतना वायर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको सबसे पहले एक बड़ा जैक दिखेगा। तो आप देखिए, आपको ऐसा एक जैक दिखेगा जहाँ पर बहुत सारा वायर कनेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपको एक वायर दिखेगा जो ग्रीन कलर का वायर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड इस कनेक्टर में आपको सिंपली क्या करना होगा, इस कनेक्टर से फ्रेंड आपको इस ये जो ग्रीन वाला वायर है, आपको इसको काट करके अलग कर लेना होगा। तो देखिए फ्रेंड, मैं जैसे कर रहा हूँ आप ऐसा ही कीजिएगा, आपको इस जैक से इस ग्रीन वाला वायर कप को काट के अलग कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा ब्लैक वाला वायर दिखेगा, तो आपको इसमें से कोई भी एक ब्लैक वाला वायर आपको इसको यहाँ से काट कर लेना होगा। तो देखिए, मैं जैसा कर रहा हूँ ठीक, आप ऐसा ही कीजिएगा। तो फ्रेंड आपको उसके बाद क्या करना होगा कि ये जो ग्रीन वाला और ये जो ब्लैक वाला वायर है, इन दोनों वायर के ऊपर जो कवर लगा हुआ है, इस कवर कप को छील लेना होगा। तो मैं जैसे कर रहा हूँ ठीक, आप ऐसा ही कीजिएगा तो हो जाएगा। तो इन दोनों वायर के ऊपर जो कवर लगा हुआ है, उसको पहले आप छील लीजिएगा। तो छील लेने के बाद फ्रेंड देखिए, तो छील लेने के बाद आपको ये जो दोनों वायर है, ये जो ग्रीन वाला वायर है और ये जो ब्लैक वाला वायर है, इन दोनों वायर को फ्रेंड आपको आपस में एक साथ जोड़ देना होगा। तो मैं जैसे कर रहा हूँ ठीक, आप ऐसे ही कनेक्ट कीजिएगा दोनों वायर को फ्रेंड, आप आपस में कनेक्ट कर दीजिएगा। तो उसके बाद फ्रेंड आप चाहे तो इसमें थोड़ा टेप भी लगा सकती हो। तो फ्रेंड देखिए, इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेप लगा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं इस जॉइंट में टेप लगा देता हूँ। तो फ्रेंड आप भी इसमें टेप लगा दीजिएगा। तो उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना होगा, इस SMPS में आपको और एक कनेक्टर दिखेगा। फ्रेंड देखिए, आपको इस SMPS में आपको एक ऐसा कनेक्टर दिखेगा। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में फ्रेंड देखिए आपको फोर वायर दिखाई दे रहा है, मतलब दो मिडिल में दो ब्लैक वाला वायर और एक साइड में एक रेड वाला वायर और इस साइड में एक ये वाला वायर। तो फ्रेंड आपको क्या करना होगा, ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर से फ्रेंड आपको ये जो ये वाला वायर है, आपको इसको पहले काट कर लेना होगा, मतलब इससे इसको अलग कर लेना होगा काट के। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में फ्रेंड आपको देखिए दोनों मिडिल में ब्लैक वाला वायर दिखाई दे रहा है, इन दोनों ब्लैक वाला वायर से, ये जो दोनों ब्लैक वाला वायर है फ्रेंड, इनमें से कोई भी एक वायर को फ्रेंड आपको इस जैक से काट कर लेना होगा। तो मैं जैसे काट रहा हूँ ठीक, आप ऐसा ही कीजिएगा। तो काट करने के बाद फ्रेंड देखिए, ये जो ये वाला वायर है फ्रेंड, ये जो ये वाला वायर है, ये हो गया है हमारा प्लस पॉजिटिव 12 वोल्ट और ये हो गया है हमारा नेगेटिव 12 वोल्ट। तो फ्रेंड उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे जो ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है, इस बोर्ड को पावर देने के लिए ये जो दोनों इनपुट वायर है, मतलब इस बोर्ड का पावर देने का जो इनपुट वायर है, आपको इन दोनों वायर का आपको अभी ये जो SMPS है, इस SMPS का ये जो दोनों वायर है, इसका साथ आपको कैसे कनेक्ट करना होगा। तो आपको कैसे कनेक्ट करना होगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं इस दोनों वायर का ऊपर जो कवर लगा हो, उसको पहले मैं छील लेता हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, हमारे जो ऑडियो बोर्ड है, ये जो ऑडियो बोर्ड है फ्रेंड, ये है इस ऑडियो बोर्ड का पावर इन देने वाला पॉजिटिव कॉयल। ये जो रेड वाला वायर है फ्रेंड, ये है इस बोर्ड का पावर इन देने वाला पॉजिटिव कॉयल। और ये है इस, ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है फ्रेंड, ये है इस ऑडियो बोर्ड का पावर इन देने वाला नेगेटिव कॉयल। तभी आपको क्या करना होगा, ये जो कंप्यूटर के एस एम पी एस है फ्रेंड, इस एस एम पी एस का ये जो येलो वाला वायर है फ्रेंड, आपको इस वायर को फ्रेंड, इस ऑडियो बोर्ड का जो पावर इन देने वाला जो पॉजिटिव वायर है, मतलब ये जो रेड वाला वायर है फ्रेंड, इसका साथ फ्रेंड आपको इसको जोड़ देना होगा। तो जोड़ देने के बाद फ्रेंड देखिए, अभी ये जो ब्लैक वाला वायर है फ्रेंड, इस ऑडियो बोर्ड में पावर देने का ये जो ब्लैक वाला वायर है फ्रेंड, इस वायर को फ्रेंड अभी ये जो एस एम पी एस का ये जो नेगेटिव वायर है फ्रेंड, आपको इसके साथ जोड़ देना होगा। तो जोड़ देने के बाद फ्रेंड अभी आपको क्या करना होगा कि ये जो दोनों हमने ज्वाइंट किया दोनों वायर, तो इसमें अभी आपको टेप लगा देना हो। तो मैं पहले इसमें टेप लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सेफ्टी के लिए दोनों वायर में टेप लगा दिया है ताकि ये दोनों वायर आपस में टच होके शॉर्ट सर्किट ना हो। तो फ्रेंड अभी मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड का ये जो स्पीकर कनेक्टर है फ्रेंड, स्पीकर कनेक्टर है फ्रेंड, अभी मैं ये जो दोनों स्पीकर आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, मैं दोनों स्पीकर को इसमें कनेक्ट करूंगा और आपको इस बोर्ड का जो ऑडियो टेस्ट है वो भी आपको सुनाऊंगा। तो चलिए मैं पहले इस स्पीकर कनेक्टर में स्पीकर को लगा लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो स्पीकर एक कनेक्टर है, तो इसमें फ्रेंड देखिए हमने दोनों स्पीकर को कनेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पावर कॉर्ड है, इस पावर कॉर्ड को फ्रेंड मैं अभी इस एस एम पी एस में इन करूँगा। तो फ्रेंड देखिए, मैं जैसे इस पावर कॉर्ड को इस एस एम पी एस में इन किया, तो हमारे एस एम पी एस ये जो फैन है फ्रेंड, अभी घूमने लगा है, मतलब ये एस एम पी एस अभी चालू हो गया है। तो अभी मैं फ्रेंड इस बोर्ड का जो ऑडियो इन वाला जो वायर है, इसमें फिर मैं आपको टच करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, आपको थोड़ा सा नॉइस फ्रेंड आपको सुनाई देगा। तो फ्रेंड देखिए, आपको थोड़ा सा नॉइस अभी सुनाई दे रहा है। तो फ्रेंड अभी मैं क्या करूँगा, आपको इस ऑडियो बोर्ड में आपको म्यूजिक प्ले करके सुनाऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और आप ऐसे वीडियो मेरे इस चैनल में हर रोज देखना चाहती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड आप मेरे इस चैनल में और भी कुछ टॉपिक में वीडियो देखना चाहती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड आप ये सारे प्रोडक्ट मुझसे परचेस करना चाहती हो तो देखिए फ्रेंड, मैंने देखिए इस वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं मेरा फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक में क्लिक करके आप मुझे मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, और आप वहाँ पर मेरे साथ कांटेक्ट भी कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।